यूएस की मार्केट से 1.1 ट्रिलियन एक झटके में वाइप आउट हो गए। इसका असर यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर तो दिखा ही दिखा, बट क्रिप्टो में भी इसका इंपैक्ट दिखा। बिटकॉइन जहां पर अराउंड 64 से लेकर 65,000 डॉलर्स की रेंज के अंदर चल रहा था, एकदम से फिसल कर 63,000 डॉलर्स के आसपास आता है और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे भाई इस समय पर घबरा रहे हैं कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहती है। कहीं पर माउंट गॉक के बिटकॉइंस ट्रांसफर होते हैं तो मार्केट में पैनिक आता है, कहीं पर न्यूज आती है कि अब यूएस भी अपने बिटकॉइंस को सेल करेगा, वहीं पर कभी न्यूज आती है कि कमला हैरिस बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रही है और कभी कमला हैरिस कहती है कि बिटकॉइन इज अ क्रिमिनल मनी। तो ये सारी की सारी न्यूज़ के बीच में बुल रन की शुरुआत कब होगी? क्या बुल रन कभी आएगा भी? क्या बुल रन वही तो नहीं था जो अप्रैल से पहले 8 महीनों के अंदर चल रहा था, जिस समय पर ऑल्ट कॉइंस 10 से लेकर 20 से लेकर 25 गुना तक हो गए थे? क्या उसी बुल रन को दोबारा से मार्केट में देखा जा सकता है? बहुत सारे सवालों के साथ इस समय पर हमारी कम्युनिटी गुजर रही है और जानना चाहती है कि मार्केट का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, बट वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए कंटेंट बनाते रहने के लिए। हम पिछले कई दिनों से कंटिन्यूअसली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, जिससे आप ट्रेड ले पाए, अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन कर पाए और आने वाली बुल रैली में वहां से 10-15x का प्रॉफिट बना पाए। अब जो ये मैंने तीसरा पॉइंट बोला ना कि आने वाली बुल रैली में, अब यहां से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी कि हाँ, उम्मीद है कि आने वाली बुल रैली आएगी। तो मैं दोस्तों आपको क्लियर बोल दूं कि इस समय पर वेल्स के द्वारा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि वो यहां पर मार्केट को एग्जिट कर दे, और जितने भी वीक हैंड्स हैं ऑलमोस्ट इस समय पर मार्केट को एग्जिट कर चुके हैं और वेल्स के लिए क्लियर पाथ बन चुका है ऊपर जाने के लिए, और मार्केट आने वाले दिनों में बहुत आसानी से 4-5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को यहां पर टच करेगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के एनालिसिस को लेकर। बिटकॉइन का प्राइस इस समय पर अराउंड 64,500 डॉलर्स की रेंज के अंदर चल रहा है और ये जो येलो लाइन मैंने यहां पर डिजाइन किया है, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर हमने इस 63,000 की सपोर्ट को तोड़ा तो हम यहां पर 59-60,000 डॉलर्स को टच करने जा सकते हैं, और अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन यानी कि माउंट को एक ही बार में सारे के सारे बिटकॉइंस को सेल कर देता है तो हो सकता है कि बिटकॉइन 56,000 डॉलर्स को भी टच करने जाए, बट उसके चांसेस केवल 2-3% है। और इस समय पर मेजर सपोर्ट जो हमारे पास अराउंड 63,000 डॉलर्स के आसपास बनी हुई है, उम्मीद है कि बीटीसी इसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। और अगर ये कारणवश टूट भी गई तो 59-69,000 डॉलर्स को बिटकॉइन यहां पर टच कर सकता है, बट इसके चांसेस अराउंड 30-40% है और रिकवरी बहुत जल्दी से होगी। तो इस वजह से अगर आप घबरा रहे हैं कि मार्केट में रैली कब स्टार्ट होगी या फिर मार्केट में पॉजिटिविटी कब आएगी, हमारे बाय किए हुए ऑल्ट कॉइंस वापस से कब पंप होंगे, तो मेरी जान वो दिन दूर नहीं जब ये सारे के सारे सपने हकीकत में आपको नजर आएंगे। इस वजह से अपनी बाइंग को टाइटली यहां पर बनाकर रखें। आज यूएस में 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए और इसका अंदाजा कई दिनों से लग रहा था, हालांकि ये 25 जुलाई को होगा ये पहले नहीं कहा जा सकता था। और इस समय पर कोई बैड न्यूज आई या फिर कोई सीपीए का डाटा आया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बट कहा जा रहा है कि 2022 के बाद मार्केट इतना बड़ा जो शेक ऑफ दिखा है अब पहली बार दिखा है, और 2 सालों में ये इंसिडेंट अब जाकर हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ऐसा ही एक दिन आएगा जहां पर मार्केट में अच्छा खासा पैसा मार्केट से वाइप आउट होगा और इस चीज का इफेक्ट लंबे समय के लिए इंडिया में दिख सकता है। हालांकि कुछ लोग इसे यूएस के इलेक्शंस के साथ भी जोड़ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन की डेथ की न्यूज मार्केट में र्यूमर की तरह फैल रही है उसका असर भी मार्केट के ऊपर दिख रहा है, बट ये सारी चीजें तो र्यूमर्स है, एक्चुअल सोर्स क्या है अभी तक नहीं चल पा रहा। बट इसकी वजह से क्रिप्टो के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आया, जिसकी वजह से कुछ चंद मिनटों के अंदर मार्केट से 100 मिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए और पिछले 12 घंटों के अंदर अंदर 300 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा लोग यहां पर लिक्विडेट हुए और मार्केट से पैसा झटके में गायब हो गया।
पता है क्यों? ये केवल उन लोगों के साथ हुआ जो हाई लेवरेज को चूज करते हैं और गाड़ी को बिना ब्रेकों के साथ चलाते हैं, यानी कि अपने ट्रेड्स के अंदर एसएल को यूज ही नहीं करते। मैं जब भी अपने टेलीग्राम के ऊपर एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं तो हमेशा गाइड करता हूं कि आप ट्रेड लें हमेशा लो लेवरेज के साथ और हमेशा टाइट एसएल यूज करें। अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के शौकीन हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और वहां से एक डिसेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप का, उसके ऊपर क्लिक कर मुझे मैसेज भेजे स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से हमारे स्टार्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो पिछले 2 से लेकर 3 दिनों से माउंट गो कॉन्टिन्यूसली अपने बिटकॉइंस को क्रैकन के ऊपर ट्रांसफर कर रहा था, क्योंकि वो क्रैकन के माध्यम से लोगों को उनका रिफंड दे रहे हैं। अब क्रैकन ने यहां पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि क्रैकन फिनिशेस माउंट गॉक बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि माउंट गॉक की तरफ से क्रैकन के पास जो बिटकॉइन आए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गई है। बट जो क्रेडिटर्स है आर नॉट सेलिंग बिटकॉइन्स, जो क्रेडिटर्स है यानी कि जिनको उनका बिटकॉइन वापस मिला है, वो बिटकॉइन को यहां पर सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि इस समय पर बिटकॉइन को सेल करना घाटे का सौदा है। बिटकॉइन के ETFs ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज इसको एज अ लीगल टेंडर घोषित कर चुकी हैं, और इस समय पर बिटकॉइन को सेल करना, जो बिटकॉइन आने वाली बुल रैली में $1.5 लाख तक जाने की उम्मीद दिखा रहा है, वहां पर अब सेल कर देना एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो नहीं है। इस वजह से माउंट गॉक के जितने भी यूजर्स थे उनमें से 99% क्रेडिटर्स अपने बिटकॉइंस को इस समय पर सेल नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि इस समय पर अपनी पोजीशंस को टाइट रखें। पिछले 2-3 महीनों से जो सिनेरियो चल रहा है, मैं मानता हूं कि वो पॉजिटिव नहीं है, और कहीं ना कहीं एक रिटेल इन्वेस्टर जिसकी गाड़ी कमाई क्रिप्टो में लगी हुई है, एक एक रुपए जोड़कर उन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया है, वो लोग घबराते हैं। बट डर के आगे जीत है और डरना नहीं है। अब बात आती है US के इथेरियम को लेकर। हालांकि जो क्रिप्टो के ऊपर इंपैक्ट आया है, कहा जा रहा है कि जो US में 1.1 ट्रिलियन वाइप आउट हुआ है उसका इफेक्ट कम दिखाई दिया है, और जो ये न्यूज है इथेरियम की, इथेरियम के ETF की न्यूज है, उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई दिया है। आपको पता होगा कि ट्यूजडे के दिन $1 बिलियन के आसपास का इनफ्लो इथेरियम ETFs में दिखाई दिया था। वहीं पर कल यानी कि वेडनेसडे को ETFs के ऊपर आप कह सकते हैं बहुत नेगेटिव इंपैक्ट दिखा, जहां पर $133 मिलियन 9 ETF कंपनीज ने यहां से मार्केट से आउटफ्लो कर लिए। और उसी के बीच में आपको एक न्यूज और है, वो है कि ग्रे स्केल ने यहां पर $326 मिलियन के इथेरियम्स को सेल कर दिया। इसने क्या किया, आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ग्रे स्केल ने लगभग 1,40,000 बिटकॉइंस पहले तो क्वाइन बेस के ऊपर डिपॉजिट किए, और उसके बाद 4,450 बिटकॉइन वापस ले लिए, और बचे हुए 1,35,000 से लेकर 1,36,000 बिटकॉइंस क्वाइन बेस के ऊपर सेल कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई दिया। अब बहुत सारे लोग टेलीग्राम के ऊपर सवाल पूछ रहे थे कि ग्रे स्केल तो वो है जो कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइंस को बाय कर रहे हैं, एक ETF अप्रूवल हुआ है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको 10 जनवरी 2024 के बाद की कहानी पता हो तो उस समय पर भी ग्रे स्केल ने ऐसे ही किया था, जहां पर बाकी कंपनीज बिटकॉइन को बाय कर रही थी ETF को, ग्रे स्केल कॉन्टिन्यूसली अपने पास पड़े हुए बिटकॉइंस को सेल कर रहा था, और काफी लंबा समय एक बिटकॉइंस को सेल करता रहा, और मार्च के अंत तक ग्रे स्केल बिटकॉइंस को सेल करने से नहीं रुका, और वहां अप्रैल में जाकर इन्होंने अपनी सेलिंग के ऊपर रोक लगाई। अब ग्रे स्केल का वही खेल यहां पर भी नजर आ रहा है, जैसे ही ETF अप्रूव हुआ केवल एक दिन रुका ट्यूजडे के दिन, और वेडनेसडे के दिन से 1,36,000 बिटकॉइंस अभी तक सेल कर चुका है, और अब आगे वाले दिनों आने वाले दिनों में इनकी क्या स्ट्रेटजी है वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे। बट आप जानते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर जिस तरीके से हमने ETF के बाद देखा है, इथेरियम में भी वैसा ही अनुमान लगाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत तक
एक इथेरियम का प्राइस $6,000 को छू सकता है और बुल रैली के दौरान 12 से लेकर $16,000 को। और इथेरियम चेन के ऊपर बने हुए जितने भी L2 प्रोजेक्ट्स हैं, लिक्विड रिस्टेकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट दिखाई देगा और वो भी अच्छे से पंप होंगे। इस वजह से अपनी पोजीशंस को इथेरियम में भी टाइट रखें, ग्रे स्केल की इस तरह की मूवमेंट्स को देखते हुए कहीं खुद सेलिंग ना कर दे। और अगर कल का बिटकॉइन का ETF फ्लो भी देखेंगे तो वो भी कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ 1.1 ट्रिलियन के वाइप आउट होने की वजह से। कल ETF कंपनीज ने 24 जुलाई 2024 को केवल $44 मिलियन की केवल बाइंग की, जो कि अब तक की सबसे लोएस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टॉप 10 लोएस्ट बाइंग्स है उनमें से एक है। 44 मिलियन की यहां पर बाइंग हुई है। लास्ट अपडेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, कमला हैरिस की तरफ से अब न्यूज आ रही है कि वो 27 तारीख को जो बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो वहां पर नहीं जाएंगी। हालांकि कल न्यूज आ रही थी कि कमला हैरिस ट्रंप, कैथी वुड, माइकल सेलर को उनकी कॉन्फ्रेंस जो कि बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में होने वाली है वहां पर एज अ स्पीकर ज्वाइन करने वाली है, और अब न्यूज आ रही है कि वो वहां पर उसे ज्वाइन नहीं करने जा रही। और एक न्यूज और आ रही है जहां पर कमला हैरिस कह रही है कि बिटकॉइन इज अ क्रिमिनल मनी। अभी इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करना चाहिए और किस स्टेटमेंट को रखते हुए हमें अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस समय पर मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट से मुझे एक ही चीज समझ आ रही है कि हर एक न्यूज को इस समय पर प्लांट किया जा रहा है, क्योंकि हम बहुत बहुत पास आ चुके हैं बुल रैली की शुरुआत में। मैं तो बोलूंगा कि बुल रैली ऑलरेडी चल रही है, बस केवल स्लो डाउन हुई है और वापस से स्पीड पकड़ने वाली है, और हम उसके बहुत पास है जहां पर वापस से हम 100 की स्पीड पर आने वाले हैं। और कितना पास है, मुझे ऐसा लगता है कि 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बाद मार्केट एक यू का बना सकती है जहां पर मिड अगस्त और सितंबर का मंथ पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगी, जिसके बाद दोबारा हमें ये प्राइसेस नहीं दिखेंगे। एक दूसरा वर्ग भी है जो कहता है कि हो सकता है कि बुल रैली आए ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स जो आ रहे हैं, केवल इनको प्लांट किया जा रहा है, मार्केट की सिचुएशन को ऐसे बनाया जा रहा है कि आपके पास अभी भी जो पैसे बचे हैं बेच बाच कर निकल जाओ, मार्केट खत्म हो गई। और जब ऐसे विचार पूरे वर्ल्ड में 90% लोगों के दिमाग में आना लग जाए तो समझ लीजिए कि वेल्स अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। बुल रैली आएगी, 100% आएगी, बट देख पता है कौन पाएगा, जिनके पास उस समय पर टॉप के ऊपर बेचने के लिए कुछ पड़ा होगा। तो इस वजह से अगर क्रिप्टो में आए हैं, जिगरा थोड़ा सा बड़ा रखें, लंबी रेस के घोड़े बने, क्योंकि ये मार्केट आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मैंने 5 ऐसे मीम टोकन्स आपके लिए ढूंढे हैं जो आने वाली बुल रैली में सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर देंगे। ये 5 मीम कॉइन अब तक इंटरनेट के ऊपर किसी ने भी डिस्कस नहीं किए। अगर जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा 5 मीम कॉइंस। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप का। उसके ऊपर क्लिक करें, स्टार्ट लिखकर हमें मैसेज करें, हमारी टीम बताएगी कि आप किस तरीके से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल फ्री है। क्रिप्टो की सारी अपडेट्स सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर करता हूं, वहां पर भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर दें।